अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ रियलिटी ऑफ एचएफसी, क्योंकि एचटी फॉक्स तो कम्प्लीटली भाग चुकी है, लोगों की उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन जब से एचएफसी आई लोगों ने, कुछ लोगों ने, ऑलमोस्ट 100 में से 10% लोगों ने एचटी फॉक्स से पेमेंट निकाली, लेकिन विदड्रॉल नहीं मिल रहा था, उन लोगों ने एचएफसी में डाल दी। एचएफसी की खसूसियात ये थी, जब ये चल रही थी तो अभी ये टोटली तौर पे बंद हो चुकी है। मेरे सर्वर पे तो नहीं चल रही, मे बी आपके सर्वर पे चल रही हो। तो ये विदड्रॉल मींस इस पे अर्निंग भी ज़्यादा थी, ये दिन में ज़्यादातर ट्रेडिंग होती थी, तो लोगों ने एचटी फॉक्स से पेमेंट निकाल के एचएफसी में डाल दी थी। तो अब जो एचएफसी है वो 100% स्कैम कर चुकी है और लोगों की इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी। तो सबसे पहले तो एचटी फॉक्स भागी, एफएक्स कॉपी भी कम्प्लीटली तौर पर भाग चुकी है। अब इन दोनों के भाग जाने के बाद एचएफसी ने भी जो है ना वो अपने दरवाजे बंद कर दिए। कितनी लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो मैं रिसर्च करके इन सारे चीज़ों पर, एचटी फॉक्स, एचएफसी और जो है ना वो एफएक्स कॉपी की कितनी लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और टोटली कितनी इन्वेस्टमेंट थी, तो मैं ये रिसर्च करने के बाद अपने चैनल पे लाजमी अपलोड करूँगा। आई होप कि अब आप लोग अपसेट तो होंगे, यकीनन अपसेट होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं।